ये दोनों तो मोहरा थे, ये दोनों मोहरे थे जिनके थ्रू काम हुआ। पीछे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिख रही है और वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी के लिए एनआईए वहां पहुंच चुकी है, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है। हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही है। कुछ दिन पहले सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे, आज जब किसी बेवकूफ ने जाके किसी तो दोस्तों आपने छोटा सा क्लिप देखा। ऑब्वियसली अब इस टॉपिक पर बात करने के लिए ही बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखा, मैंने तो नॉर्मल तरीके से वीडियो देखा, इतना सिंपल तरीके से चल रहा था। पहले वो टेलर बेचारा नाप ले रहा है और उसके बाद इन्होंने आपने देखा किस तरीके की हरकत की। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि इन लोगों से आप कैसे मुकाबला कर सकते हो बिना लड़े। इनकी ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना कि ये लोग अपनी पहचान छुपाते फिरेंगे, पहचान छुपाते फिरेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये अपनी दुकान का नाम ना ऐसा कुछ रख देंगे कि समझ नहीं पाओगे कि हिंदू मुसलमान की दुकान है। ये अपनी पहचान ही छुपाते फिरेंगे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। प्लीज चैनल को है। हमारे पास भी ब्लास्फेमी के वो हैं, लॉज हैं। तो अब ब्लास्फेमी के लॉज जो हैं वो 70 से ज्यादा कंट्रीज में, 70 से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उसमें से दो ही ऐसे कंट्री हैं, पाकिस्तान और ईरान, जिसमें जिसमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, बाकी में किसी में नहीं है। ये दो कंट्रीज का ये नैरेटिव क्यों चारों ओर चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ब्लास्फेमी के केस में हमारे यहाँ अगर प्रोसिक्यूशन चल रही है, हमारे यहाँ अगर कोर्ट में चल रहा है, तो वो उसको कोर्ट को देने दिया जाए अपना जजमेंट। उस कोर्ट के जजमेंट से बाहर कुछ लोगों ने अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हुए ये काम किया, क्या करवाया गया, वॉट एवर। जो फॉरेन के कंट्रीज थे यानी कि गल्फ कंट्रीज थे, उन्होंने हमारे एम्बेसडर को तलब किया, तो एक नैरेटिव बना कि पूरी मुस्लिम उम्मा इसमें एक एक पेज पर है, जबकि थी या नहीं थी वी डोंट नो। क्योंकि कुवैत में कुछ लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, उन सबको कुवैत में डिपोर्ट कर दिया। तो वो अपने इंटरनल ऑडियंस की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने किया हो, लेकिन उन्होंने किया और एक नैरेटिव बना, और नैरेटिव बनने के बाद ये चीज इन ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो गए कि हमारे साथ सारी मुस्लिम उम्मा है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, क्या चीज ब्लास्फेमी है और क्या चीज नहीं है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसने ब्लास्फेमी नहीं की थी, आदमी ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था और नुपुर शर्मा ने ब्लास्फेमी की है, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं, ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम कर रही हैं। उसने की है कि नहीं है वो तो, नहीं की है वो तो कोर्ट बताएगी ना। जो नुपुर शर्मा ने बोला है एग्जैक्टली सेम चीज जाकिर नायक ने बोली है। जाकिर नायक को तो ये लोग अपने कंट्री बुला करके उससे बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाते हैं और उसको उसको वहां पर आने की जाने की पूरी छूट है, तो ये नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा भाई? भाई वो मुस्लिम है और ये हिंदू है, इसलिए सिर्फ ब्लास्फेमी सिर्फ हिंदू पे पड़ती है। अच्छा ठीक है, चलिए इससे भी आगे बात कर लेते हैं। क्या ये मुस्लिम कंट्रीज इस बार इस एक्ट को कंडेम करेंगे? मुझे तो नहीं दिख रहा किसी ने कंडेम किया आज तक। सऊदी अरेबिया ही कर दे, सऊदी अरेबिया करने के मूड में नहीं है, करना तो ये चाहिए, ब्लास्फेमी। बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, वरना तो ये बात हो जाएगी जैसे इस एक्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए बिल्कुल इस्लामिक कंट्रीज को कंडेम करना चाहिए इस बात को। और कल मैं, सॉरी आपकी मैंने बात काटी, लेकिन मैं ये ऐड कर दूं कि कल मैंने आपके टीवी चैनल्स पे देखा, अवैसी साहब बैठे हुए थे किसी चैनल के ऊपर और उनसे कहा गया, इसी बारे में पूछा गया कि जी, तो कहते हैं हाँ जी मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी नुपुर शर्मा को आप लोगों ने अरेस्ट नहीं किया है। मतलब किस लिए अरेस्ट किया जाए, ये बात अभी तक चल रही है। बीच में तो लग रहा था कि सब मामला जो है वो हैंडल हो गया है और खत्म हो गई है बात एक तरह से, लेकिन फिर दोबारा से इसको उठाया जा रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? ओवैसी साहब तो खैर इस जहां से ही नहीं है, ओवैसी साहब तो और ऊपर बात करते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये किस नैरेटिव की वजह से हो रहा है, इसका नैरेटिव क्या है। नैरेटिव ये है कि आप सारी जिंदगी गलत काम कीजिए, आप लोगों से पैसे छीनिए और उनका मर्डर कीजिए, आप जा करके किसी के साथ भी कुछ गलत काम कीजिए, रेप कीजिए, मर्डर कीजिए, आप बच्चों को मारिए, आप कुछ भी कीजिए, और उसके बाद जब आपको दिखे कि आपने सारी जिंदगी इतने गलत काम किए हैं, तो कोई एक मौलाना आकर आपको बता देगा कि देखो उस आदमी ने ब्लास्फेमी की, आप उसे मार दोगे तो जन्नत मिल जाएगी, इजी पाथ टू जन्नत। और इस इजी पाथ टू जन्नत को सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवैसी साहब को ये बात नहीं दिखती है क्या?
ये जो जिस तरीके का एक माइंडसेट बना दिया गया है कि आप ड्रग स्मगलिंग कीजिए, आप अपने जिंदगी में सारे गलत काम कीजिए, आप सुअर का मीट खाइए, और उसके बाद एक ऐसे आदमी को मार दो जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा है, या ब्लास्फेमी की है कि नहीं की है वो अलग केस, और आपको जन्नत मिल जाएगी। ये जो इंस्टेंट जन्नत है ना, इंस्टेंट। करना चाहिए। आई विल स्टॉप यू हियर, ये मत बोलिए कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, कर रहा है, लोग कर रहे हैं तो ये हुआ है। मैं ये नहीं कहता मैं करना नहीं चाहिए। अब वो क्या हो रहा है पता है क्या, हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही। कुछ दिन पहले सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे, आज जब किसी बेवकूफ ने जाके, किसी जल्लाद ने जाके सचमुच ही कर दिया, आज कह रहे नहीं नहीं इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, इसको कोई नहीं एंडोर्स करता। तो क्यों नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा, और ये नारा किसने बनाया? ये क्या हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि सर तन से जुदा कर देना किसी का भी, अगर उसने अल्लाह पाक की गुस्ताखी की या मेरी मेरी शान में गुस्ताखी की, कभी उन्होंने बोला था ऐसे? ये कौन खुद की मर्जी से? एक तो देखिए इसके दो इम्पैक्ट्स हैं, एक तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा ये इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखिए इट इज क्लियर कि इंडिया में आप ऑपोजिशन कह लें या फॉरेन पावर्स कह लें, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हिंदुइज्म को एक मुद्दा बना के, हिंदुइज्म को एक एंटी मुस्लिम मुद्दा बना के, एक सनातन धर्म है हिंदुइज्म का, विच बिलीव्स इन पीस, विच बिलीव्स इन शांति, अमन, त्याग, बलिदान, प्रेम, उसको एक किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके उसको बना दे एंटी मुस्लिम। बिकॉज ये चीज तो सबको पता है, चाहे किसी ने कुरान ठीक से पढ़ा हो, चाहे किसी ने हदीसें ठीक से पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, एक चीज तो सबको पता है, एक मुसलमान किसी पे हमला नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा कुबेर है, वो कहते हैं ना बहुत ही ग्रेव सिन है किसी किसी को हलाक कर देना। दी ओनली टाइम दैट अ मुस्लिम कैन एक्चुअली अटैक इज व्हेन ही इज बीइंग अटैक नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स। सो टू सेव हिमसेल्फ और हिज फैमिली और टू प्रोटेक्ट समबडी ही कैन अटैक इन रिटेलिएशन ओनली, ही कैन नॉट अटैक, सिर्फ रिटेलिएट कर सकता है, अटैक नहीं। अब इनको दिखाना है ना कि भाई हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ये सब दहशतगर्दी करके, हम एक्चुअली हम दहशतगर्द नहीं, हम रिटेलिएटर्स हैं, उनको दिखाना है ना। तो पहले इन्होंने इन्होंने जो किया, एक अच्छा सा नैरेटिव सेट किया कि भाई हिंदूज जो है वो एंटी मुस्लिम है, तो इस नैरेटिव सेटिंग में वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाहे आप सोशल मीडिया पे बोलें, चाहे आप कहीं भी बोल लें, पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान न्यूज पे, या ये कुछ ओआईसी कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, टर्की, जो चाहते हैं कि वो कैलिफेट बन जाएं, और कुछ चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना चाहती हैं, तो इस वजह से एक मुस्लिम मुद्दा भी उठाते हैं। तो ऐसे और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए वगैरह, जो आप तो जानते हैं कि ये वेपन सेल में सबसे ज्यादा पैसा इनको वेपन सेल से मिलता है, वो तो चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, एक जोन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, या मिडिल ईस्ट में, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे रिलीजन को लेके, ताकि इनके वेपन सेल होते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो मेरे हिंदू भाई बहन वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूज लड़े थे, जैसे जैसे इसराइली लड़े थे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम के हाउ दे आर फाइटिंग बैक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी डिजेक्टेड के क्यों, जैसे ये उदयपुर का जो वाकया हुआ उसके बाद दो बंदे, मैं उनको शैतान की औलादे कहूंगी, दज्जल कहूंगी, सामने आके वीडियो भी बनाते हैं। यू इमेजिन, वीडियो भी बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने अल्लाह के लिए ये किया, हम उनके लिए जीते, उनके लिए, हाउ डेयर, उनके मुंह से अल्लाह का नाम कैसे निकला? इसके लिए कोई प्रोटेस्ट कैसे क्यों नहीं करता कि भाई ऐसे शैतान अगर अल्लाह का नाम लेने लगे। तो दोस्तों, कल जो उदयपुर में हुआ आपने सबने देखा, 56 मुस्लिम देशों में से किसी ने इस घटना को लेकर शायद ही कुछ कहा होगा। आपको भी पता है वन साइडेड लव चाहते हैं ये लोग, ये बाकी ये किसी को भी लव, किसी और अदर रिलीजन को लव देना नहीं चाहते। आप इस घटना से क्या सीख सकते हो और आप इस घटना के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? सिंपल सा तरीका है, भारत के संविधान के तहत आपको अधिकार है, आपको अपनी कोई भी चीज़ या किसी भी तरीके का पैसा किसे देना है, किसे देना नहीं है, कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना नहीं है, तो एक चीज़ कर सकते हो आप, सोशल बायकॉट। सोशल बायकॉट पॉसिबल है कि मुश्किल होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा कि यहाँ से जल्दी ले लूँ, वहाँ से जल्दी ले लूँ, लेकिन अगर ग्रुप में ये चीज़ हुई और सामने वालों को पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ दिन बाद ऐसा सीन होगा ना
कि वो लोग भी फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। उनमें से जो अच्छे लोग रहेंगे ना, उनका दिमाग ख़राब होगा। दिमाग ख़राब होगा तो वो लोग ये बोलेंगे कि यार ये इन लोगों की वजह से हमारी बैंड बजी पड़ी है। ऑब्वियसली ऐसा होगा। हो सकता है आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, 10 किलोमीटर तक पंचर का जुगाड़ ही नहीं है आपके पास, तो फिर इन केस ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हो। बट हो सके, जितना हो सके, जिस स्तर पर भी हो सके, स्टार्ट कर दो। भारत का संविधान आपको अलाउ करता है आपको क्या चीज़ कहाँ से खरीदनी, क्या चीज़ कहाँ से नहीं खरीदनी है। तो डेफिनेटली शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े, कुछ इम्पैक्ट पड़े। यही कर सकते हैं भाई अपन तो। अब ऐसा है नहीं कि हथियार लेके सामने वालों को भी मारने लगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली जो चीज़ पॉसिबल है वो आप कर सकते हो। ये वीडियो में बस आप देख सकते हो क्या बात होगी, ये ख़राब हुआ, वो ख़राब हुआ। आपको भी पता है ये सब क्यों हो रहा है। सीधा सिंपल लिखा है, सिंपल लिखा है, मूर्ति पूजक काफिर को मारो। सब कुछ पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सामने सब कुछ आ गया है, किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है उनकी किताबों में, क्या नहीं लिखा है, किस तरीके से वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, तो आप समझ सकते हो आपके पास क्या ऑप्शन है। वीडियो देखिए और वीडियो के बाद अपने कॉमेंट में सुझाव दीजिए इस टॉपिक पर और क्या बात करनी है, मुझे कुछ नहीं पता है। बड़ा ही अफसोसनाक वीडियो है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और